शेयर बाजार में निवेशक पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाने के लिए टीवी या सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, वहां खबरों के साथ एनालिस्ट को सुनते हैं, उनकी राय लेते हैं, उसी राय को सोच समझ कर टटोल कर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी ले लेते हैं। लेकिन इन एनालिस्ट और एडवाइजर्स पर बाजार का रेगुलेटर सेबी नए नियम और कानून लाने जा रहा है। सोशल मीडिया और तमाम चैनलों पर रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को लेकर नए रेगुलेशन लाने की जरूरत है। आजकल हर कोई एनालिस्ट बन गया है, उस पर रेगुलेशन लाने की जरूरत है। देश में रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अलग अलग कानून भी है, जिसे एक करने पर विचार किया जा सकता है। देश में अक्टूबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार 1324 सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, यानी 76,000 निवेशकों पर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। वहीं रिसर्च एनालिस्ट की भी संख्या 800 के आसपास है, वो जो बहुत ही कम है। एनालिस्ट और एडवाइजर को लेकर 2013 में कानून बनाया गया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, रिस्क प्रोफाइलिंग, कोड ऑफ कंडक्ट को डिफाइन किया गया था। इस कानून में ये भी बताया गया था कि कोई भी बिना सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस नहीं दे सकता, और अगर कोई इन नियमों को मानने से इनकार करता है तो उस पर सेबी एक्शन ले सकती है। जिस समय ये नियम आए थे उस वक्त डीमैट अकाउंट होल्डर्स की संख्या 2.5 करोड़ थी, वहां आज ये आंकड़ा 9 करोड़ के पार है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग बाजार में आए हैं तो एनालिस्ट और एडवाइजर की भी संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि लोगों के शिकायतों पर जल्दी एक्शन लिया जा सके। निवेशकों की शिकायत हमेशा रहती है कि उनसे ज्यादा फीस की मांग की जाती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, लोग उन्हें गारंटीड रिटर्न्स का दावा करते हैं, ऐसे में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने का भी डर रहता है। इन तमाम परेशानियों को दूर करने जा रही है सेबी। एक ऐसा ही मामला स्टैलियन एसेट मैनेजमेंट का आया था, जिसमें रिसर्च एनालिस्ट ने मॉडल पोर्टफोलियो प्रोडक्ट की बिक्री करना शुरू कर दिया था। कंपनी के लोग एडवाइजर सर्विस बताकर मार्केटिंग करने लगते थे, जिसके बाद मामला बढ़ गया। बाद में एक एनालिस्ट ने 28.6 लाख रुपए देकर मामला को सेटल करवाया। नए रेगुलेशन आने से नए लोगों को भी मौका मिलेगा, नए लोग रजिस्टर होकर लोगों को एडवाइस दे पाएंगे, और पुराने लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, जिससे वो अपने दायरे में ही काम कर सके। जैसे अभी के रेगुलेशन में रिसर्च एनालिस्ट मॉडल पोर्टफोलियो नहीं दे सकते हैं, फिर भी लोग ऐसा करने से बाज नहीं आते। नए रेगुलेशन आने से इन सभी चीजों पर क्लैरिटी आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल लिटरेट हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।